आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी हमारी छोटी बहन भावना जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी छोटी सी पार्टी है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। और जो अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे उसमें आगे जोड़ते हुए इतना ही कहूंगा कि थोता चना बाजे घना, छोटी सी पार्टी है, बोलती ज्यादा है, लेकिन लोकतंत्र की महिमा है, जुबान पे तो किसी के कोई कंट्रोल होता नहीं है। अब वो वास्तविकता ये है कि इतने गंभीर विषय पर एक ऐतिहासिक भूल को ठीक करने का काम शुरू हुआ और उस पर सहमति आम आदमी पार्टी की भी है, कांग्रेस पार्टी की भी है, यूनिफिकेशन पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। नगर निगमों का एकीकरण मूल रूप से सभी राजनीतिक दल इसके लिए एकमत है, लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति है कि यूनिफिकेशन के तो फेवर में है पर इलेक्शन जो है वो ट्राइफर्केटेड होना चाहिए। एक दिन केजरीवाल जी बोल रहे थे कि भाई बाद में कर लेना, भाई जब यूनिफाइड बॉडी की बात हो रही है तो ईडीएमसी का इलेक्शन का क्या महत्व रह गया? ईडीएमसी में क्या कह के इलेक्शन लड़ोगे, एनडीएमसी में क्या कहोगे, साउथ में क्या कहोगे? यानी कि कुल मिला के बॉडी यूनिफाइड होनी चाहिए, इलेक्शन ट्राइफर्केटेड होना चाहिए। तो ये इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आम आदमी पार्टी का दिल्ली की जनता देख रही है और समझ रही है। ये यूनिफिकेशन जो है ये एक रिफॉर्म प्रोग्राम है। आप सब जानते हैं कि जब शीला दीक्षित सरकार ने इसका ट्राइफर्केशन किया तो कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, फाइनेंशियल वायबिलिटी का भी ध्यान नहीं रखा गया, एक नेचुरल बाउंड्रीज नॉर्थ और साउथ में कोई है नहीं। ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जितनी आमदनी का जरिया है खर्चा उससे कई गुना ज्यादा है। जब ट्राइफर्केट किया गया तो इसकी कोई जांच नहीं की गई, उनके स्रोतों को नहीं देखा गया, उनके ऑब्लिगेशन का ध्यान नहीं किया गया और कुल मिला के स्थिति ये हुई कि देश के किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में इस प्रकार से डिवाइडेड कॉर्पोरेशंस नहीं है दिल्ली को छोड़ के। अध्यक्ष जी, अब मैं बात करता हूं कि दिल्ली की सरकार ने किस तरह से नगर निगमों के मामले में एक खलनायक की भूमिका निभाई। ट्राइफर्केटेड बॉडी थी, चौथा वित्त आयोग जो निगमों के ट्राइफर्केशन के बाद उस रिपोर्ट में सारी बातें लिखी गई कि ट्राइफर्केशन के बाद इनकी फंडिंग्स का क्या स्टेटस है। बड़ी हैरानी की बात है कि दिल्ली की सरकार ने चौथे वित्त आयोग को लागू ही नहीं किया। एक तरफ निगम तीन हिस्सों में बट गया क्योंकि संविधान कहता है कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट असेंबली के पटल पर टेबल होगी और असेंबली थी नहीं। असेंबली का गठन हुआ 2015 में, असेंबली बैठी 2015 में और जब असेंबली 2015 में बैठी तो दिल्ली की सरकार ने उसके बावजूद उस रिपोर्ट को टेबल नहीं किया और जिसके कारण दिक्कतें आई, संविधान का उल्लंघन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट टेबल नहीं हो रही है। 2018-19 में अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर में योजना मद के अंतर्गत
निगम को जो पैसा मिलता था सारा रोक दिया गया। यानी कि पहले फाइनेंस कमीशन को टेबल नहीं किया, उसके बाद उसकी रिकमेंडेशंस को लागू नहीं किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसमें कोई रोल नहीं है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का मतलब है लोकल बॉडीज और स्टेट गवर्नमेंट, उसमें जबरदस्ती सेंट्रल का नाम लेके उसको सेटिसाइड कर दिया गया। मेरा कहना कुल मिला के ये है कि जब भी दिल्ली नगर निगमों के फंड्स को रिलीज करने की बात आई, जानबूझ के नगर निगमों को पंगू बनाने के लिए कि वो अपना काम ना कर सके, इसलिए यहां तक कि 5 अप्रैल 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट ने के आदेश से, और क्या टिप्पणी की दिल्ली हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा क्वेश्चन अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट फॉर रेजिंग द इश्यू ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स। जब इन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट ने कहा व्हाइल देयर आर फुल पेज एड्स इन न्यूज़पेपर्स, आपके पास निगमों को देने के लिए पैसा नहीं है लेकिन फुल पेज एड देने के लिए आपके पास पैसा है। आप 500,000 करोड़ रुपया एड पे खर्च कर रहे हैं और नगर निगम के एम्प्लॉइज को सैलरी ना मिले, इसके लिए आप षड्यंत्र कर रहे हैं एक प्रकार से। ये बात एक आम धारणा में आई और जिसके कारण निगमों को पंगु बनाओ, निगमों का काम रोको, निगम काम ना कर सके, एम्प्लॉइज को सैलरी ना मिले, और पहले पांच साल और अब ये 2 साल लगातार एक ही काम दिल्ली की सरकार ने किया कि निगमों को बिल्कुल वित्तीय रूप से पंगु बनाने का काम किया। इसके कारण आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि यूनिफिकेशन होना आवश्यक सिर्फ होना ही नहीं बल्कि आवश्यकता है समय की दिल्ली के विकास के लिए। और पैसा जो दिल्ली की सरकार रोक रही है, मैं अध्यक्षा जी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा इस बात की जांच बिठानी चाहिए कि पिछले 7 सालों में किस प्रकार निगम के पैसे को रोका गया है, और जांच के बाद अगर आवश्यकता पड़े तो ऐसी सरकार को भंग कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है इसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की है, केजरीवाल सरकार की है। खलनायक की भूमिका में आकर निगमों को पंगू बनाया और दिल्ली की जनता को परेशान करने की कोशिश की। धन्यवाद।